हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। उस टॉपिक का जो नाम है भैया वो ये है श्नेडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरफेस डिज़ाइन। ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि ये ना बड़ा ही एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। बार बार एग्जाम में डाल ही देते हैं, एक दो मार्क के लिए नहीं, बड़े हैवी वेटेज मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को वो डाल ही देते हैं। तो भाई अभी अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से आप अपने वो जो मार्क्स हैं वो कन्फर्म करके ही जाओगे उस क्वेश्चन के। इस तरीके से मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो 8 रूल्स जो हैं गोल्डन रूल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ रेफरेंस टू द इंटरफेस डिजाइन। बराबर, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। पहला वाला रूल कहता है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। सी, कंसिस्टेंसी का हमें लिटरल जो जनरल मीनिंग है वो पता है, लेकिन व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस डिजाइन, विथ कॉन्टेक्स्ट टू इंटरफेस डिजाइन। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। जैसे कि अगर एक जनरल एग्जांपल आपको मैं दूं, मैकओएस का जो मेन्यू बार है, मैकओएस का मेन्यू बार अगर आप देखोगे ढंग से, ऑब्जर्व करोगे, तो उसके जो ग्राफिकल एलिमेंट्स है वो बड़े कंसिस्टेंट है इर रिस्पेक्ट टू द वर्जन्स ऑफ मैकओएस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्जन्स ऑफ मैकओएस। मतलब अगर 1980s का भी अगर आप वर्जन देख लोगे या 2010 का भी वर्जन देख लोगे तो आपको वहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी जो कि बड़ी कंसिस्टेंट होगी, वो आपके मैकओएस का मेन्यू बार के ग्राफिकल एलिमेंट्स होंगे। बराबर, तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो आपके डिजाइन का बेस मटेरियल है उसमें आप ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस मत करो, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस मत करो, बिकॉज उस बेस मटेरियल से आपका जो रिस्पेक्टिव यूजर है वो अभी अडेप्ट हो चुका है, उसे वो सीख चुका है। अगर आप इसमें वापस से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करोगे तो भाई आपके यूजर को वो चेंजेस को सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा वापस से। तो यहां पे जो आपका यूजर है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, अपना बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जो इंटरफेस डिजाइन में यूजर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, यूजर का ज्यादा टाइम जाए, वो इंटरफेस बैड इंटरफेस होता है। बराबर, तो भाई हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जैसे कि मैकओएस ने बना के रखी है, जैसे कि आपका विंडोज है उसने बना के रखी है। तो व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी मच कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड के ऊपर, अनेबल फ्रीक्वेंट यूजर्स टू यूज शॉर्टकट्स। अभी इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स। अभी कीबोर्ड एक्सेलरेटर क्या होता है, इसको अगर आपको डिटेल में जानना है, समझना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस रिस्पेक्टिव टॉपिक का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही बना के रखा है, उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा जहाँ पे आपको कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। एक सिंपल सी बात अगर आपने देखी होगी, जो चीज़ों को आपको बड़ा फास्टली एग्जीक्यूट करना है, बड़े क्विकली एग्जीक्यूट करना है, तो कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, ओके, कुछ एब्रीवेशंस होते हैं, कुछ सिंपल कमांड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम यूजर्स को एज अ शॉर्टकट के रूप में प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना काम जो है बड़ा फास्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट शुड बी देयर इन एवरी इंटरफेस डिज़ाइन। जैसे कि विंडोज़ ले लो, मैक ले लो, उसमें कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि भैया आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सी वी, ऐसे को आप कीज को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सो दैट शुड बी ऑब्वियसली प्रोवाइडेड, दैट इज़ द थिंग। उसके बाद आते हैं ऑफर इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, ऑफरिंग द इन्फॉर्मेटिव फीडबैक। अब ये इन्फॉर्मेटिव फीडबैक का मतलब क्या, कि भाई आपका जो भी सिस्टम है, आप जो भी उस सिस्टम के साथ कर रहे हो, जो भी एक्शन, जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका एक रिस्पेक्टिव फीडबैक आप तक पहुँचना चाहिए, आपको मिलना चाहिए फॉर एवरी एक्शन दैट यू आर सिंपली परफॉर्मिंग ऑन दैट। और वो जो भी फीडबैक होगा, वट एवर इज गोइंग टू बी फीडबैक, दैट शुड बी इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, एक मीनिंगफुल फॉर्म होना चाहिए जिसे इंसान समझ पाए, ऐसा वो फीडबैक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो जो टाइम है, जितना टाइम उसको लगना चाहिए उस रिस्पॉन्स को आने के लिए, उस फीडबैक को आने के लिए, इट शुड बी अ रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली द टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, द फीडबैक टाइम विच वॉज एक्सपेक्टेड इज एक दो सेकंड में वो रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए था यूजर के एक्शन का, लेकिन वो आ रहा है एक मिनट के बाद, दो मिनट के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर, तो व्हाट आई सेड कि जो भी फीडबैक है वो पहली बात तो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, एंड रीजनेबल टाइम में आपको वो फीडबैक यूजर तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो आगे का प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक अपना यूजर एक्शन ले सके। बराबर, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूं, तो कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं, कई बार कुछ एरर आ जाते हैं और वहां पे उस मैसेज में आपको दिखता है वो एरर, तो बैड डिजाइन कब कहेंगे हम, कि भाई उस एरर का कोड वहां लिखा हुआ है। अब जो यूजर है उसे नहीं पता कि उस एरर कोड का मतलब क्या होता है, तो इट इज अ वेरी बैड डिजाइन, क्योंकि यहां पे यूज वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ह्यूमन
अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ऐसा फीडबैक है जो कि इंसान समझ नहीं पा रहा बिकॉज वो एरर कोड के फॉर्म में लिखा हुआ है। गुड डिज़ाइन क्या होता कि उस एरर को बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, वो एरर क्यों आया, यूज़र के किस एक्शन की वजह से उस एरर ने जन्म लिया है, वो सारी चीज़ें जब उस मैसेज में आती है तब हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ रियली इन्फॉर्मेटिव फीडबैक। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इंटरफेस डिज़ाइन में, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी देयर सो दैट इट विल बी अ गुड डिज़ाइन, करेक्ट।